बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से साइफर केस का फैसला आया, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई, जिस तरह से ये ट्रायल किया गया, उससे जो बची खुची क्रेडिबिलिटी थी निज़ाम इंसाफ की, वो भी शायद जाती रही है। उस पर भी बेतहाशा सवालात उठ खड़े हुए हैं और अब आम आदमी भी, एक आम शहरी भी बहुत से सवालात कर रहा है, और उन सवालों के जवाब कौन देगा ये शायद किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला जब आया तो उसके बाद बहुत से इंकशाफात हुए हैं। नंबर एक, सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि साइफर जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर चोरी किया गया था। ये साइफर उनकी ईमा पर पीएम हाउस से गायब हुआ था, ये इंकशाफ हुआ, इमरान खान की जानिब से ये बताया गया। नंबर वन। नंबर टू, इस फैसले से एक रात कबल, यानी 30 जनवरी को यह फैसला आता है और उससे एक रात कबल 29 जनवरी को पीटीआई के वकला को यरगमाल बनाया गया, उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद किया गया, उन पर बंदूकें तान ली गईं, ये सूरत हाल रही। और इसके सबूत मौजूद हैं, इसका सबूत मौजूद है, वो सबूत भी मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि यह क्या वाकया है और किसकी जानिब से यह कोट किया गया है। नंबर थ्री, इस फैसले की औकात क्या है, ये जो फैसला आया है इस खसूसी अदालत की जानिब से, इसकी औकात क्या है, और मरियम नवाज को किस तरह से ये पहले से मालूम था कि इस तरह का फैसला आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, बहुत सी अहम चीजें हैं, हकायक हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। गुजारिश सबसे पहले यह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो फीड किया जा रहा है वो इंतहाई सेंसर्ड चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया ही वाहिद वो मीडियम है जिस पर सही खबर भी मौजूद है। नो डाउट के प्रोपागेंडा भी होता है, कुछ फैब्रिकेटेड न्यूज़ भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर सही खबर भी आप तक जो है वो पहुँच पाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि असल जो खबर है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि इमरान खान ने एक तारीख रकम कर दी है। जिस तरह से इस मुल्क की तमाम सियासी और गैर सियासी कुव्वतों का उसने मुकाबला किया है, जिस तरह से उसने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है, जिस तरह से उसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, जिस तरह से उसके कारकुनों को उठाया गया, गायब किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह से इमरान खान पर 200 से ज्यादा झूठे मुकदमात बना दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वो शेर का बच्चा डटा रहा। वो ना तो बीमार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो इस मुल्क से फरार होने की कोशिश उसने की, लेकिन इस निजाम इंसाफ पर बहुत से सवालात उठ खड़े हुए, और इमरान खान मुसलसल इस सिस्टम को बेनकाब करता रहा, इस सिस्टम को नंगा करता रहा। ये तमाम चीजें खुलकर एक एक करके सामने आ गई हैं, और इमरान खान की वो बात आज भी कानों में गूंजती है और इन मुखालिफिन के कानों में भी गूंज रही होगी कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया कि जो अभी तक बेनकाब ना हुआ हो। आज एक और जो फैसला आया उसने भी इस निज़ाम इंसाफ को, इस सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। अच्छा, साकिब बशीर साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और इस समात के हवाले से, इस केस के हवाले से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया कि रात को उन्हें इस हवाले से मालूम हो गया था कि कल 12 बजे के करीब, यानी 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे के करीब साइफर केस का फैसला आने वाला है, और वो कहते हैं कि जी इस जो वक्त मुझे उस वक्त पता चला था एक रात कबल, उससे तकरीबन 20 मिनट का फ़र्क आया और 12:20 पर यह फैसला जारी कर दिया गया, बल्कि उस वक्त तो मीडिया पर रिपोर्ट हो गया था, शायद 12:05 या 10 पर यह फैसला जो है वो जारी कर दिया गया था। तो ये सूरत हाल रही कि इस फैसले के बारे में जो है वो पहले ही इंथौर नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में समा टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि 5 फरवरी से पहले पहले साइफर केस में ये सजा सुनाई जानी है, और इमरान खान ने इस पर भी बात की थी अदालत में कि कैसे पता था नजम सेठी को, ये कैसे मालूम है कि 5 फरवरी से पहले पहले सजा सुनाई जानी है, क्योंकि अभी जिस वक्त ये केस चल रहा था नजम सेठी ने बात की थी, अभी तो गवाहों पर जिरह होना बाकी थी। तो इमरान खान ने यह कहा था कि जी नजम सेठी को भी बुलाएं, उनसे पूछें, अदालत में ये पूछें कि उन्हें किसने बताया है।
लेकिन वही हुआ उजलत में, जिस तरह से इस केस को चलाया गया, जिस तरह से जल्दी जल्दी में तमाम चीजें मुकम्मल की गई, 25 गवाहान पर जिरह एक रात में मुकम्मल कर ली गई, एक रात में, रात 11-12 बजे तक इस केस को जो है वो सुना गया जेल में। एक तो ये बहुत बड़ा मजाक था ओपन ट्रायल के नाम पर, मैं पहले भी अपने एक व्लॉग में बात कर चुका हूं कि ओपन ट्रायल के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक हुआ। जिस तरह से चंद मखसूस लोगों को वहां लाकर बिठा दिया जाता था, जहां पर सिर्फ चंद सहाफियों की रसाई होती थी और वही बाहर आके इन चीजों को रिपोर्ट कर रहे होते थे। उसके बाद फिर अदालत जो लगती थी जेल में, यानी कि जेल भी अपनी, उसके बाद जज भी अपना, और उसके बाद वकील भी अपने, स्टेट डिफेंस काउंसिल प्रोवाइड कर दी गई थी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। कहते हैं कि इन्होंने बार बार वकला तब्दील किए थे, इसलिए यह फैसला किया गया। अगर वकला तब्दील किए जा रहे हों एक जगह पर आकर, अगर जज ये कहे, इजाजत ना दे कि जी आप वकील तब्दील नहीं कर सकते, तो उसके बाद पुराने वकील को पेश होना होता है, वही आकर जराह करते हैं। लेकिन यहां पर तो अचानक से ये फैसला किया गया, स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए गए, और उन्हीं सरकारी वकला ने एक रात में 25 गवाहान पर जराह मुकम्मल कर ली और अगली सुबह सजा भी सुना दी गई। फिर एक ब्लंडर और हुआ यहां पर कि शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी एहतजाज करते रहे कि मेरा 342 का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो कि हर ट्रायल में लाजिम होता है 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना। जिस वक्त इमरान खान ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें बहुत अहम बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद अभी शाह महमूद कुरैशी ने बोलना था, अपना बयान देना था, लेकिन जज ने सवाल किया इमरान खान से कि जी खान साहब, आखिरी बार आपसे ये पूछना चाहता हूं कि साइफर कहाँ है। खान साहब ने कहा कि जी मैं अपने बयान पर कायम हूं, मुझे नहीं पता साइफर कहाँ है। जिस पर जज ने कहा, शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब किया, इमरान खान को मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ देखें। उनकी तरफ देखा जब इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने, तो जज कहते हैं कि मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूं, और ये कहकर नजरें नहीं मिलाई, जज ने नजरें नहीं मिलाई। ये इस फैसले की औकात है, ये इस फैसले की औकात। इमरान खान मुस्कुराते रहे वहां पर खड़े होकर, और वो जज जिसने ये फैसला सुनाया, वो नजरें नहीं मिला सका और शर्मिंदा होकर उठकर चला गया। ये है पाकिस्तान का निजाम इंसाफ। अच्छा, 342 का जो बयान रिकॉर्ड हुआ वो बहुत अहम था, इमरान खान ने बहुत से इंकशाफात उसमें किए हैं, और वो इंकशाफात क्या है मैं वो बयान जो है वो मिनोअन आपके सामने रख देता हूं। एक्सप्रेस न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया है, और ये खबर जो है वो एक्सप्रेस न्यूज की वेबसाइट पर मौजूद है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। कहते हैं इमरान खान ने कहा कि साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती, मेरे ADC में से एक ने बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया, असल साइफर मेरे पास था ही नहीं, जो लहराया वो साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। ये कहते हैं कि जलसे में लहराया गया। अच्छा, एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में जब साइफर के मामले में जमानत मंजूर हुई थी शाह महमूद कुरैशी की, इमरान खान की, तो उस वक्त अदालत की जानिब से यह पूछा गया था कि जो साइफर वजारत खाजा से बाहर आया वो कोडेड था या डीकोडेड था, तो बताया गया कि जी वो डीकोडेड था, तो फिर कहा गया कि वो तो साइफर है ही नहीं, जो डीकोड हो जाए वो फिर साइफर नहीं रहता। और इमरान खान कह रहे हैं जो जलसे में लहराया था वो पैराफ्रेज्ड कॉपी थी, यानी कि उस डीकोडेड फॉर्म को भी जो है वो नेक्स्ट एक कॉपी में तब्दील किया गया था, कॉपी इन सेंस कि उसको उसकी जो है वो फ्रेजिंग की गई थी, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे, वो जलसे में लहराया गया था, ये इमरान खान बता रहे हैं। इमरान अदालत में दिए गए 342 के बयान में इमरान खान ने कहा कि साइफर वजीर आजम ऑफिस में था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आयद होती है, जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान यह वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वजीर आजम ऑफिस से मिसिंग हुआ। साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि यह वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज भी हुआ। मेरे ADC में से एक ने जनरल बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। फिर इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने, यानी शरीफ बरादरान ने, जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी का वादा किया था। हुसैन हक्कानी को अमरीका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया था, जिसके लिए हुसैन हक्कानी को
$35,000 की अदायगी भी की गई थी। इमरान खान ने कहा कि हमारी इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं, इसलिए जनरल बाजवा ने ISI को इस्तेमाल किया। ISI ने हमारे लोगों को PTI छोड़ने पर मजबूर किया और कहा कि इनका मुस्तकबिल नून लीग के साथ है। मैंने जनरल बाजवा से मिलकर इस साजिश के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। जनरल बाजवा से मुलाकातों के बावजूद ISI हमारी हुकूमत के खिलाफ काम करती रही। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफीर को धमकाया गया हो इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती, जिसमें यह कहा गया हो कि अगर वजीर आजम को ना हटाया तो इसके नतायज बरामद होंगे। असद मजीद ने डोनाल्ड लू को बताया था कि दौरा रूस पर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। असद मजीद ने अमरीका को डीमार्च करने का कहा था। उधर हमारे इतिहादी पैगाम भेज रहे थे कि उन पर इतिहाद छोड़ने के लिए ISI का दबाव है। फिर इमरान खान कहते हैं कि परेड ग्राउंड जलसे में जो पेपर लहराया वो सिर्फ खतरे का जिक्र किया था, उसमें मुल्क का नाम नहीं लिया था और अल्फाज में भी बहुत मोहतात चुनाव मैंने किया था। जो पेपर लहराया गया वो असल नहीं बल्कि साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। प्लान जनरल बाजवा को पैगाम देना था कि अगर साजिश हुई तो तमाम प्लान को एक्सपोज कर दिया जाएगा। ये इमरान खान कह रहे हैं कि सिर्फ बाजवा साहब को जो है ये पैगाम देना था कि अगर ये साजिश कामयाब होती है या ये साजिश हुकूमत के खिलाफ एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ होती है तो आपका सारा प्लान एक्सपोज कर दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि जी ये इमरान खान कहते हैं डोनाल्ड लू की जानिब से साइफर वजीर आजम या वजीर खारजा के लिए नहीं बल्कि जनरल बाजवा के नाम था, क्योंकि जनरल बाजवा के पास ही हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। उसके बाद सिंध हाउस में बोलियां लगी, एक एक MNA की कीमत 20 करोड़ फिक्स की गई और उसके बाद हमने देखा था कि जिस तरह से सिंध हाउस में MNAs को रखा गया और उनमें जिस तरह से पैसे बांटे गए और किस तरह से यह तहरीक-ए-दम-ए-तमाद जो है वो कामयाब करवाई गई, तो ये सूरत हाल रही और इमरान खान ने इस हवाले से जो है वो बात की है। अच्छा, एक और चीज़, एक बड़ा इंकशाफ जो हुआ है वो ये कि इस फैसले से एक रात कबल क्या होता है कि जो वकला हैं PTI के उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उन्हें उन पर बंदूकें तान ली जाती हैं। यह वाकया पेश आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक है यह वाकया, और इससे साबित होता है कि किस तरह से फैसले किए गए, इससे साबित होता है कि कहां से ये फैसले हो रहे हैं जिनको थोपा जा रहा है, जिनको इम्पोज किया जा रहा है। हामिद खान साहब बहुत सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं और बहुत से केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं अदालत में। उनकी जानिब से मीडिया से बात की गई, उनके वो अल्फाज क्या थे मैं वो वीडियो आपके सामने रख देता हूँ, वो वीडियो देखिए और फिर जो है वो अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये निज़ाम इंसाफ काम कर रहा है, ये देखिए वीडियो। और उसके अलावा पहली दफा वकीलों पर बंदूकें तानी गई हैं, जो वाक्य आप सामने आए हैं कि उनके एक छोटे कमरे में ले जाकर उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है और उन पर बंदूकें तानी गई हैं, जो कि एक बदतरीन मिसाल है मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को जो है वो परवर्ट करने की। लिहाजा इसको हम ट्रायल नहीं मानते, ना हम समझते हैं कि कानून और आईन के साथ। जी, हामिद खान की गुफ्तगू आपने सुनी तो उसके बाद इस फैसले की क्या अहमियत रह जाती है, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है हमारी अदलिया की, उस अदालत की जहां से यह फैसला जारी किया गया है। मैं आपको बताऊं कि 14 मार्च 2023 को मरियम नवाज ने कैमरे के सामने ये कहा था कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें, उसके बाद इंतखाबात में हम जाएंगे और फिर नून लीग इंतखाबात जीत जाएगी। ये अल्फाज थे मरियम नवाज के, कब? 14 मार्च 2023 को, कि जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें, यानी कि 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी नवाज शरीफ को और नाअहल किया गया था। इमरान खान नाअहल तो हुआ था लेकिन उसे सजा नहीं सुनाई गई, उसे भी 10 साल की सजा सुनाई जाए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, उसके बाद जो है वो नून लीग इलेक्शन में जाएगी और फिर इलेक्शन जीतेगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 30 जनवरी को इंसाफ के ये दोनों पलड़े बराबर कर दिए गए, इंसाफ के ये दोनों पलड़े जो है वो बराबर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फैसला जिस तरह से सामने आया है, जिस तरह से इस पर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, इवन के कानूनी माहरीन ये कह रहे हैं कि हायर कोर्ट्स में ये मामला जाता है तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये पहले ही 5 से 10 रोज में समाअत एक होती है, दो होती है, फैसला उड़ जाएगा। और अगर केस की मेरिट पर समाअत होती है तो इस केस में भी कुछ नहीं है, 1 से 1.5 माह में ये केस भी उड़ जाएगा, ये केस भी खत्म हो जाएगा, ये कानूनी सीनियर कानूनी माहरीन इस मुल्क के कह रहे हैं।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब यह मामला डेफिनेटली हाई कोर्ट्स में लेकर जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। तफसीली फैसले के बाद जो है ये कदम उठाया जाएगा और उसके बाद इस फैसले को जो है वो चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये मरियम नवाज ने जिस तरह से जो है वो बात की थी अब उस पर अमल हो गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि मरियम नवाज ने जो है वो उनकी डिमांड थी ये भी शायद उस डील में तय पाया था कि पलड़े बराबर होंगे तो उसके बाद इलेक्शन होंगे, इसलिए फौरी तौर पर उजलत में इलेक्शन से पहले ये फैसला सुनाने की जल्दी की गई। ये सूरत हाल रही जी। मैं आखिर में सिर्फ इतना सा जो है वो बात करना चाहूँगा कि इमरान खान इस मुल्क का शायद बहुत बड़ा एक पागल इंसान है। इमरान खान को चाहिए था कि जब वो पकड़ा गया था, जब उस पर केसेस बने थे, तो बीमारी का बहाना करता, प्लेटलेट्स गिरने का बहाना करता, अस्पताल चला जाता, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इस मुल्क से फरार हो जाता, भाग जाता। और जब जनरल साहब तब्दील हो जाते या उनके साथ कोई डील तय पाती तो फिर वापस मुल्क आता और वजारत उज़्मा का एक तगड़ा उम्मीदवार बन जाता। लेकिन इमरान खान तो पागल है कि वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो इक्तदार की जंग नहीं लड़ रहा। इमरान खान पागल है कि वो कौम की जंग लड़ रहा है। इमरान खान इस कौम के साथ खड़ा है, इमरान खान इस कौम के पीछे खड़ा है और वो इस कौम की जंग लड़ रहा है। अगर अब भी कौम इसके साथ उठकर खड़ी नहीं होती तो ये एक लीडर के साथ बहुत बड़ी ज़ाती होगी। इमरान खान का यही पैगाम है कि 8 फरवरी को कौम बाहर निकले। वो कहते हैं मेरी कौम, इमरान खान ये कहते हैं कि मेरी कौम है, ये मेरी कौम 8 फरवरी को बाहर निकले और वोट डाले और हक और सच का साथ दे। ये इमरान खान का पैगाम है जो कि इस फैसले के बाद उनके ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे भी जारी किया गया है। तो अब ये सबका फर्ज बनता है, पूरी कौम का ये फर्ज बनता है कि वो 8 फरवरी को बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें और इन मुखालफीन के जो है वो मुंह बंद करवाएं, इन मुखालफीन को शिकस्त से फाश दें ताकि मालूम हो सके कि ये कौम आज भी जिंदा है, ये कौम जागी हुई है और वो सियासी शऊर जो कि इमरान खान ने इस कौम को दिया था वो सियासी शऊर आज भी कायम है। आज के व्लॉग से इजाजत दीजिए, अल्लाह के नाम।